जो हम डेली खाना खाते हैं, कब बोलेंगे कि आज मैंने अच्छा खाना खाया? अच्छा खाने का मतलब होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है, 10 से 15% तुम्हारी प्रोटीन होनी चाहिए, 15 से 30% तुम्हारी फैट होनी चाहिए, और 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। डेली हम खाना खाते हैं उसमें मेनली 3 प्रकार चीजें होती हैं। पहला होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि ग्राम पर एक दिन में ग्राम के हिसाब से चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, आयरन हुआ। दूसरा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि वो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो विटामिन सब मिल रहे होते हैं। उसके अलावा तीसरा कंपोनेंट होता है ट्रेस एलिमेंट, जो कि माइक्रोग्राम में चाहिए होते हैं एक दिन में, तो होता है इसमें फॉलिक एसिड होता है। हम डेली खाना तो खाते हैं, खाना खाने के बाद चौड़िया के बोलते हैं आज मैंने बहुत बढ़िया खाना खा लिया। भैया बढ़िया खाना कुछ नहीं होता, बढ़िया खाना तब आपने खाया जब जितना पूरा आपको डेली एनर्जी इंटेक चाहिए होती है, उसमें 10 से 15% तुम्हारी जो होती है प्रोटीन से एनर्जी आए, और 15 से 30% फैट के कारण एनर्जी आए, और 50 से 70% एनर्जी जो तुम्हारी डेली रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट से आए। प्रोटीन से जो है कि 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है प्रोटीन। जब 1 ग्राम बर्न होता है तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। ऐसे फैट जो तुम्हारा बर्न करेगा तो 9, सबसे ज्यादा यही होता है रिलीज करता है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम रिलीज करता है। तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट से 4.1 आता है, प्रोटीन से 4.2, अंदर ध्यान रखना।